तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट की अगर बात करें तो मैच नंबर 34 जो कि खेला जाएगा अबू धाबी वर्सेस शारजा के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आप अपना लॉस करवा बैठोगे। लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो ये मेरी गारंटी है इजिली आप इस मैच में अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। बात करें अगर दोनों टीम्स की तो अबू धाबी की टीम थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस सीजन एज कंपेयर टू शारजा। अब अगर बात करें भाई मैच की टाइमिंग की तो 6:45 पर मैच खेला जाएगा, अब से कुछ ही घंटे बाद मैच होने वाला है। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर वेन्यू की तो मलिक क्रिकेट ग्राउंड 1 अजमान में मैच होने वाला है। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो यहां पर आप देख सकते हो बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प यहां पर होने वाली है। स्पेशली एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो भी टीम है उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन प्लस सेकेंड इनिंग के स्पिनर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, तो टॉस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे, तो टॉस का जरूर से ध्यान रखिएगा। वेदर की अगर बात करें तो वेदर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस ना के बराबर है। एवरेज स्कोर भाई यहाँ पर 90 से 110 के बीच में है। बात करें अगर वेन्यू रिकॉर्ड्स की तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई टोटल मैच 32 खेले जा चुके हैं, जिसमें से भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 12 मैच जीते, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 20 मैच जीते। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर आबू धाबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बाकी सारी चीजों की, तो उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कल भी आपके भाई ने आपको लगातार अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाए थे, आज भी करवाऊंगा, लेकिन आपका जो काम है वो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम या फाइनल अपडेट होगी ना वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मैंने दे रखा है। क्योंकि देखिए टॉस का रोल इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो जैसे ही टॉस होगा सबसे पहली बात मैं आपको अपडेट दूंगा, दूसरी बात टॉस के बाद जो अपडेटेड टीम आएगी वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। अब चलिए भाई यहाँ से बात करते हैं अबू धाबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म के बारे में। कामरान अता ही बात करें तो इनकी ये भाई ओपनिंग करते नजर आएंगे, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इन 5 मैच से पहले अगर आप जाके देखो तो 176 की प्लस 152 की 2 अच्छी नोक इसी टूर्नामेंट में खेली हुई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरी बात कुछ विकेट कीपिंग से बैकअप देंगे तो मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ रहेंगे, इवन जीएल में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। ओसामा हसन साहब बीच में भाई काफी नीचे बैटिंग कर रहे थे, अब ठीक ठाक पोजीशन पर वापस आ चुके हैं, तो डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर रह सकते हैं, बाकी मैं मस्ट ऑफ पिक में इन्हें नहीं रखूं। अली अभी आपकी टीम में 100% होने चाहिए, टीम के कैप्टन है, लास्ट के 5 मैच देखोगे तो भाई 3 अच्छी नोक यहां पर खेल रखे हैं। अब्दुल मुक्तादर अली की बात करें तो 17, 37, 34 की 3 अच्छी नोक है, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उजैर बादशाह की बात करें तो यह भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे, डिसेंट पिक रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 16 रन 23 रन की 2 ठीक ठाक नोक खेल रखी है। मजहर बासिर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रन इन्होंने बनाए, इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा इन्हें मौका नहीं मिल रहा, ना तो बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इरशाद खान लगातार बॉलिंग करवा रहे हैं और लास्ट 5 मैच में 3 विकेट भी निकाल चुके हैं, तो आपके लिए डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर रहेंगे, जरूर से आप इन्हें बैक कर सकते हो। बात करें अगर मोहम्मद मोहसिन की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, इन्हें भी आप अपनी टीम में जरूर से बैक कर सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जरूर से आप इन्हें बैक कीजिएगा। यस पुनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये लगातार भाई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो और इन्हें आप अपनी टीम में मस्ट ऑफ पिक में रखेगा। जुबेर खान की बात करेंगे अगेन भाई यहाँ पर आप देखिए लास्ट 5 मैच में से 1 मैच में भी विकेटलेस नहीं गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा कीफ की बात करें ये भी आपके लिए डिसेंट प्लेयर रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में अगर बैट बॉलिंग आती है यहाँ पर भाई अगर अबू धाबी की, तो उस कंडीशन में आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। शारजा की अगर बात करें तो उस्मान खान, ये बंदा ऐसा ही अगर चला ना तो अकेला अपनी टीम को जिता सकता है, नहीं चला तो भाई कंप्लीटली फ्लॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए 0, 4, 9 और यहाँ पर बैटिंग नहीं की, तो 3 मैच में फ्लॉप 4 मैच में फ्लॉप रहा और यहाँ पर 1 मैच में पता नहीं कितनी 24 बॉल पर या 25 बॉल पर 55 रन बनाकर 1 साइडेड विनिंग करवा गया अपने फैंटेसी प्लेयर्स को भी और बाकी जो अपनी टीम है उसको भी। लेकिन टोटली बात क्या है कि इन्हें आप है ना स्मॉल लीग में अगर आप चाहो तो आप इन्हें हर मैच में ड्रॉप करके चलो, आपके ओपोनेंट्स के 99 मैचेस में एक कैप्टन वॉइस कैप्टन मिलेगा और
10 में से आप मान लो 2 मैच में चले गए तो 8 मैच आप जीतोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, बट ये नहीं है कि एक मैच में चल गए 50 मन लगा दी तो अगले मैच में आपने भी इसको कैप्टन दे दिया फिर ये फ्लोप हो गया, तो फिर फायदा नहीं है। लगातार या तो ड्रॉप करो या फिर पिक कर रहे हो तो कैप्टन दो। मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग में लगातार ड्रॉप करो और जीएल में हर मैच में आप इन्हें कैप्टन दो, ठीक है। बात करें अगर हसन ईसा खेल की, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 33 रन 30 रन 2 अच्छी नोक खेल रखे हैं, ट्राई कर लीजिएगा। ओपनिंग कर रहा है, वन डाउन खेलता है कभी कभी, तो वहां पर भी आपके लिए अच्छा पिक रहेगा। फैज अहमद जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वहीं अगर बात करें भाई मोहम्मद नदीम की, वापसी की है भाई, बीच में एक दो मैच मिस किए थे, वहां पर आप देखो तो भाई 17 रन 2 विकेट 1 रन बॉलिंग नहीं कर भाई, उससे पहले 12 रन 0 विकेट 19 रन 1 विकेट यहाँ पर इन्होंने निकाले, इसके अलावा भाई 16 रन 0 विकेट इससे पहले वाले मैच में, तो आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। मोहम्मद उजैर खान की बात करें तो ये भी आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे, 24 रन 1 विकेट 0 रन 0 विकेट 17 रन 0 विकेट 9 रन 2 विकेट 51 रन 0 विकेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जुनैद शमशुद्दीन की बात करें तो बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, प्लस बॉलिंग ये करवा नहीं रहा, तो जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मोहम्मद मुदस्सर अली लास्ट के एक ही मैच खेला इस सीजन का, उससे पहले जो मैच खेले दूसरे सीजन मतलब किसी और टूर्नामेंट के, और वहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 10 रन 2 विकेट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, जरूर से बैक कीजिएगा। मतीउल्ला खान फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करवाने आता है तो 100% ट्राई करना, सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। तैमूर बाटी को जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। यासिर खान देखिए जो सेकंड लास्ट मैच है ना उसमें ओपन करने आया था और इस मैच में 11वें नंबर पर, तो ये भाई थोड़ी सी दिक्कत रहती है। यहां पर देखिए जैसे उस्मान खान हो गए, हसन ईसा खान, फैज अहमद, ये टॉप 5-6 में बैटिंग कर जाएंगे, मोहम्मद नदीम, अब 5-6 में इनका ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे किसी मैच में उस्मान खान ओपनिंग करने आया, किसी मैच में नंबर 4 पर आ रहा है, लेकिन ये जो प्लेयर है ना यासिर खान हो गया, तैमूर बाटी हो गया, इनका क्या है कि एक मैच में तो 2 ओवर दे देंगे फिर 3 मैच बॉलिंग नहीं देंगे, सेम भाई यासिर खान 4 मैच में बैटिंग नहीं करेगा फिर इसको ओपन करवा देंगे, तो ये भाई ऐसे प्लेयर है जिनको आप जीएल मिनी जीएल में बैक करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए भाई बात करते हैं टीम की, तो यहां पर मैं आपको स्मॉल लीग की टीम बना के दिखा देता हूं। विकेट कीपिंग सेक्शन में मोहम्मद कमरान अत्ता को रखेंगे, अभी के लिए उस्मान खान, अली अबिद, और यहां से भाई हसन ईसा खेल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। यासिर खान को जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, अब्दुल मुख्तादर अली को अगर आप चाहो तो उस्मान खान की जगह पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो मोहम्मद नदीम को ट्राई करेंगे, इरशाद हुसैन को ट्राई करेंगे, मोहम्मद शाकिर खान कंप्लीटली फ्लॉप ही चल रहा है भाई, क्या ही करेंगे इनको लेकर। इसके अलावा जीशान अली अगर खेलता है तो 101% इन्हें हम अपनी टीम में बैक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गोपाल कुमार, गोपाल कृष्ण, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई अनूप गोपाल कृष्ण, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर खेलते हैं तो भाई ट्राई करेंगे। बाकी अभी मैं उन्हीं प्लेयर को रखने वाला हूँ जो खेल रहे हैं, मोहम्मद मोहसिन, मतीउल्ला खान, राजा कैफुल्ला खान, तीनों को ट्राई कर रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर खान को टीम में रख रहा हूँ और मोहम्मद मुदस्सर अली को रख रहा हूँ। मोहम्मद उजैर खान को मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा अगर यहाँ पर शारजा की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर मतीउल्ला खान या मोहम्मद उजैर खान में से किसी को ट्राई कर सकते हो। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी यहाँ पर मोहम्मद नदीम के साथ जाएगी, क्योंकि बैटिंग प्लस 2 ओवर की बॉलिंग आपको करके देगा। वीसी की अगर बात करें तो वीसी अभी के लिए यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं किसमें, या तो भाई मैं अपनी टीम मोहम्मद कमरान अता को एज ए वीसी देख रहा हूं, या फिर भाई यहां से फिर आप ट्राई कर सकते हो, या तो मोहम्मद जुबैर खान को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है। और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, मोहम्मद जुबैर खान अगर सेकंड इनिंग में अबूधाबी की बॉलिंग आती है तो आप इन्हें वीसी ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर भाई फिर आप मोहम्मद नदीम को कैप्टन कर सकते हो। अगर भाई यहाँ पर भाई बॉलिंग बैटिंग टॉस की कुछ अलग अपडेट आती है तो उनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, और उसी हिसाब से भाई जो फाइनल सीवीसी है ना उनमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए 95% ये टीम मेरी फाइनल है, 1 चेंज या 2 चेंज मैक्सिमम हो सकते हैं और सीवीसी थोड़े बहुत इंटरचेंज हो सकते हैं, वो जो अपडेट है वो टॉस के बाद मैं दे दूंगा। तो अभी के लिए आप इस 95% फाइनल टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।